डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट्स इज इन बी फॉर्म थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर। तो टुडे वी आर ट्राइड टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड आल्सो द सिलेबस मेंशन बाय द AKTU इन द बी फॉर्म थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर। तो क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पोर्शन दिया गया, ब्रीफ में उसको भी जानेंगे कि क्या क्या कंटेंट है बी फॉर्म थर्ड सॉरी सिक्स सेमेस्टर में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ बायोफार्मास्यूटिक्स। सो बायोफार्मास्यूटिक्स अगर आप देखें यहां पे, तो बायोफार्मास्यूटिक्स, तो जनरली अगर आप देखें तो दो वर्ड्स इसमें मिलके बने हैं, बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स। तो दो चीजें हैं आप लोगों के पास, एक तो बायो है, दूसरा फार्मास्यूटिक्स। तो बायो मीन्स आप सारे लोग जानते हैं, दिस इज अ रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी अब हम यहां पे लाइफ की बात करेंगे, लिविंग सिस्टम की बात करेंगे, ठीक। फार्मास्यूटिक्स आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, फार्मास्यूटिक्स ही पढ़ा अभी तक आप लोगों ने, फर्स्ट सेमेस्टर ईयर टू लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा। और फार्मास्यूटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा इन्वॉल्व द प्रिपरेशन यूज और डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिक्स में आप लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा फॉर्मुलेशन पोर्शन, कि हम लोग कैसे डोजेस फॉर्म को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी फॉर्मुलेशन आप लोगों ने पढ़ा, इसका क्या क्या इवेल्युएशन है ये आप लोगों ने पढ़ा। तो फार्मास्यूटिक्स अब ओवर हो गया, फार्मास्यूटिक्स को जब हम बायो के साथ रिलेट करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक। टिल फार्मास्यूटिक्स आप लोगों ने फॉर्मुलेशन पढ़ा है, एक्सपीरियंस पढ़ा, इवेल्युएशन पढ़ा है, आपने डिफरेंट डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किए हैं, टेबलेट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करेंगे, कैप्सूल आप लोगों ने पढ़ा, इमल्शन, लोशन, सस्पेंशन, डिफरेंट डोजेस फॉर्म आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा, बट इनका इफेक्ट लिविंग सिस्टम पे क्या रहा है, इस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स सिंपली कहा जाए, इट इज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, यूजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू। यानी कहीं ना कहीं ये साइंस है जिसमें हम लोगों ने अपने ड्रग को प्रिपेयर किया, यूज किया, यूज करने के बाद एडमिनिस्टर्ड किया टू लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और एडमिनिस्टर्ड करने के बाद क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, इसकी स्टडी हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स में करते हैं। यानी आप लोगों ने जो आप कोई भी ड्रग लेते हैं, इसको आप लोगों ने डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अगर मैं कहूं आप लोगों ने टैबलेट्स में कन्वर्ट किया है, तो ये जो ड्रग से आप लोगों ने इसको टैबलेट्स में कन्वर्ट किया है, ये आपका फार्मास्यूटिक्स है। अब टैबलेट को यूज किया जाएगा, ठीक, ट्रीटमेंट के लिए। अब जब टैबलेट को यूज करेंगे तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम में, और जब बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद अब ड्रग का क्या हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग के, ये सारा डिस्कशन बायोफार्मास्यूटिक्स में किया जाएगा। तो देखा जाए बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड एक्सटेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको रेट और एक्सटेंट का मतलब बताऊंगा। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द इफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ठीक। इन्होंने कहा कि वो फैक्टर हम लोगों को इन्फ्लुएंसिंग, उसकी स्टडी करनी है, जो किसको इफेक्ट करेगा, रेट को इफेक्ट कर रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है, एक्सटेंट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक, ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आपने जो ड्रग ओरल रूट से लिया या किसी भी रूट से आपने जो ड्रग लिया है, वो ड्रग आपका कहां जाएगा, ब्लड में, और ब्लड को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो ब्लड में ड्रग जो ब्लड तक पहुंच रहा है, ठीक, पहुंचा सर्कुलेशन, और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लड में जाएगा देन ये आपके टारगेट साइट तक जाएगा, और टारगेट साइट पे जाने के बाद अब यहां पे अपने जो भी आपका ड्रग का एक्शन वो सो होगा, यही सिस्टम है। ड्रग आपने लिया ओरल रूट से लिया, वो ब्लड में एंटर किया, ब्लड में एंटर करने के बाद टारगेट साइट पे जाएगा, टारगेट साइट पे जाने के बाद वो एक्शन शो करता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कलेक्ट किया कि ड्रग ब्लड में और ब्लड से टारगेट साइट में, ये जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, और उन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे इफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, यानी अपने डोजेस फॉर्म की इफिकेसी को हम इंप्रूव करेंगे कि हमारा जो ड्रग का एक्शन है वो बेटर शो करे। तो सिंपल कहा गया, इट इज द इंटर रिलेशनशिप, एक इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, यानी API, यानी आपके ड्रग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड द ड्रग प्रोडक्ट डोजेस फॉर्म,
बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग, यानी दो चीजों पर डिपेंड किया बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस जो है आपका ड्रग का, दो चीजों पर डिपेंड किया, एक तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी एपीआई की, यानी हमारे एपीआई का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा जो हम लोग ड्रग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसे ड्रग प्रोडक्ट यानी जिसको डोजेस फॉर्म कर रहे हैं, ये जो आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है इस ये बेस्ड होगा बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग। एक डिफिनेशन ऑन बायो अवेलेबिलिटी, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यहां पे भी वर्ड यूज किया गया रेट एंड एक्सटेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ये कहां पहुंचेगा ब्लड में। तो सिंपल हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड, यानी कितना अमाउंट ड्रग का ब्लड में पहुंच रहा है, रीच कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप देखें डोजेस फॉर्म है, डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल्स है, टैबलेट्स है, डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ब्लड है, आप इसको जिस भी रूट से अगर आप ले रहे हैं, और रूट से लेने का मतलब है कि आपको सिस्टमिक एक्शन चाहिए तो आपके ड्रग को कहां पहुंचना होगा ब्लड में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ओरल रूट लें, आईवी रूट लें, कोई भी रूट अगर हम लेते हैं, उस रूट का जो मेन एम है कि अगर हमें सिस्टमिक एक्शन चाहिए, एक्शन आप लोगों को पता है कि दो तरह के एक्शन होते हैं हमारे पास, एक तो लोकल होगा और दूसरा सिस्टमिक होगा। लोकल का मतलब होता है मिस्किन पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करते हैं, और सिस्टमिक जब भी हम बात करेंगे तो यहां पे जब भी हम लोग सिस्टमिक एक्शन की बात करते हैं, यहां पे बात किया जाता है कि ड्रग रीच इनटू द ब्लड, यानी ड्रग को कहां पहुंचना है ब्लड में। ठीक, अब ड्रग इंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अब इंटर करना है इसको ब्लड सर्कुलेशन में, यानी आपका ये मेम्ब्रेन है, इधर हम कहें अगर हमारा ब्लड है और इधर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू है, तो ड्रग क्रॉस करके कहां जाएगा ब्लड में। तो दो चीजें हैं, पहला पॉइंट क्या होगा, हाउ मच ड्रग इंटर्ड, यानी यहां से ये जो आपने ओरल अगर आपने लिया, ओरल को अगर हम यहां पे स्टमक कंसिडर करें या हम इसको जीआईटी कहें, तो यहां से कितना ड्रग ब्लड में इंटर कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब, यानी अमाउंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब्ड, यानी अब यहां से कितना अमाउंट ड्रग का एब्सॉर्ब हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट क्लियर हो गया, रेट एंड एक्सटेंट दो बात, तो एक्सटेंट का मतलब हो गया अमाउंट, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ब्लड में ड्रग की पहुंच रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका ड्रग प्रेजेंट इन कैप्सूल अगर माना जाए, एग्जांपल 500 एमजी पैरासिटामोल है, इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग इंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन 450 एमजी, जो कि 500 एमजी से कम है, तो ये जो अमाउंट पहुंचा, ये हाउ मच इंटर मींस 450 एमजी इंटर किया ब्लड में, यानी दिया कितना गया 500 एमजी, लेकिन जो ब्लड में क्वांटिटी पहुंची, जो एक्सटेंट पहुंचा, जिसको हम लोग कह रहे हैं अमाउंट, वो अमाउंट कितना पहुंचा 450। तो फैक्टर की बात, बायोअवेलेबिलिटी में फैक्टर की बात की गई, और बायोफार्मास्यूटिक्स में फैक्टर की बात की गई, क्या क्या फैक्टर है जो रेट और एक्सटेंट को, और बायोअवेलेबिलिटी में एब्जॉर्प्शन की बात किया गया, कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, किस रेट से और किस एक्सटेंट से, किस रेट और एक्सटेंट से एब्जॉर्ब हो रहा है, और क्या क्या फैक्टर है जो आपके रेट एंड एक्सटेंट को डिफर कर, ये डिफरेंस है आपके बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी की। दूसरा बात किया गया रेट, पहला हो गया एक्सटेंट, दूसरे बात करेंगे रेट का। तो रेट का मतलब होता है, रेट जब भी हम रिलेट करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द टाइम, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम मींस यहां पे लिखा गया व्हाट स्पीड ड्रग एंटर्ड, किस स्पीड से ड्रग एंटर कर रहा है, तो जो जो स्पीड है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक, किस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो स्पीड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एमजी पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, यानी यहां पे 20 किलोमीटर आवर्स लिखा, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड है, यानी टाइम।
तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं रेट, और रेट इज रिलेटेड टू द टाइम। ठीक है, तो जो इतना टाइम, अगर आपने कहा कि एक मिनट में आपने कहा कि 500 mg एक कंडीशन है कि 500 mg ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, और 1 मिनट में एक कंडीशन है कि 100 mg ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ए जो है 500 mg जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका रेट फास्टर एज कम्पेयर टू द 100 mg। तो दो चीजें आपकी हो गई जब भी आप बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं या बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं रेट और एक्सटेंट। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई कि एक्सटेंट जब भी कहा गया तो दिस इज रिलेटेड टू द अमाउंट। हम लोग बात करेंगे अमाउंट का कि कितना अमाउंट ड्रग का एंटर हो रहा है, और रेट की जब बात करेंगे तो रेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये जो आपका रेट है, यानी सारी ड्रग इमीडिएट एब्जॉर्ब हो रही है, सारी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है कि स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर होगी, बायोफार्मास्यूटिक्स किसे कहते हैं और बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं। अब देखिए बायोफार्मास्यूटिक्स क्या क्या यूज करता है। यूज करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक तो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करेगा, दूसरा थियोरेटिकल मॉडल्स। नेक्स्ट जब आप लोग पढ़ेंगे तो मॉडल्स पढ़ाया जाएगा कि हम लोग बॉडी को मॉडल कंसीडर करते हैं, और इस बॉडी को हम लोग वन कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे या तो हम लोग इसको टू कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक, तो बॉडी को कंसीडर किया जाता है एज अ कंपार्टमेंट, और ये वैस्कुलरिटी के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, वैस्कुलरिटी के बेसिस पे टू कंपार्टमेंट में करते हैं या पूरे बॉडी को एक कंपार्टमेंट ट्रीट करते हैं। तो एक मॉडल एज्यूम करते हैं कि ड्रग का जो ट्रेवलिंग सिस्टम है, ड्रग कैसे एंटर कर रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कैसे ट्रेवल कर रहा है, टिश्यू तक कैसे पहुंच रहा है, इसके लिए मॉडल यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, यानी हम क्वांटिटी की बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी क्वांटिटी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्वांटिटी पर्पज क्या है इसका? टू इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ये जो क्वांटिटेटिव एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है कि हम लोग इवेल्युएट करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी अगर हमारे पास कोई ड्रग सब्सटेंस है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डोजेस फॉर्म है उसका इफेक्ट क्या है, डोजेस फॉर्म टैबलेट है, कैप्सूल्स है, किस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम लोगों ने रूट प्रोरल रूट लिया है कि पैरेंट्रल रूट लिया है, कौन सा रूट हम लोगों ने प्रिफर्ड किया है, ऑन थेरापेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट इन फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इनकी हेल्प से, क्वांटिटेटिव एंड थ्योरेटिकल मॉडल की हेल्प से, हम अपने ड्रग सब्सटेंस के डोजेस फॉर्म के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्ट को इवेल्युएट करेंगे कि फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमने कोई भी डोजेस फॉर्म, अगर हमने सपोज टैबलेट लिया है और इस टैबलेट्स को डिफरेंट रूट से एंटर कर सकते हैं, हम लोग ओरल रूट से भी ले सकते हैं और पैरेंट्रल में आपको आईवी ले सकते हैं, आईएम ले सकते हैं। ठीक, ओरल रूट से जब आप लेते हैं तो ये जीआईटी में जाता है, और जीआईटी में जाने के बाद ये अपने एक्शंस को शो करता है, लेकिन ओरल रूट में भी आप कहते हैं कि सॉलिड है आपके पास, लिक्विड है, तो आप कहते हैं लिक्विड में फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है। तो इन्हीं सारे इफेक्ट को बायोफार्मास्यूटिक्स में इवेल्युएट किया जाता है। अब देखा जाए बायोफार्मास्यूटिक्स में दो चीजों का डिस्कशन किया जाता है, एक तो फार्माकोडायनेमिक्स और एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, दोनों में डायनेमिक्स है यानी मूवमेंट की बात की जा रही है। तो डायनेमिक्स में क्या कहा जाता है, व्हाट ड्रग कॉजेस टू बॉडी, व्हाट ड्रग कॉजेस टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ठीक, तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि थेरापेटिक एक्टिविटी शो करेगा, यानी ड्रग का एक्शन शो होगा। अगर आपने पैरासिटामोल लिया है, ठीक, आपने इसको एंटर किया बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो इसका काम क्या है, ड्रग क्या करेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपने एसिलोफेनाक लिया है, एसिलोफेनाक लिया, जैसे बॉडी में एंटर किया, बॉडी के साथ क्या करेगा, जो पेन है उस पेन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो व्हाट ड्रग कॉजेस टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो दैट इज अ शो देयर एक्शन। तो ये है डायनेमिक्स, जिसमें हम लोग मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ड्रग का मोड ऑफ एक्शन कैसे कैसे ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है, यानी थेरापेटिक एक्शन कैसे शो करता है, यानी इसको कह सकते हैं व्हाट द ड्रग
डस टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डस टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर सकती है। तो दोनों बातें सेम है आपकी, व्हाट द ड्रग कॉजेज टू द बॉडी या व्हाट द ड्रग डस टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। इसी तरह से काइनेटिक्स की बात की जाए अगर, काइनेटिक्स तो काइनेटिक्स में किया व्हाट बॉडी कॉजेज टू द ड्रग। अब ड्रग ने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, ड्रग का था पेन कम करना, पेन कम किया उसने अपना थेरापेटिक एक्टिविटी शो किया। अब यहां पे कहा गया कि बॉडी कॉजेज टू द ड्रग, अब बॉडी भी तो ड्रग के साथ कुछ करेगी, व्हाट द बॉडी डस टू द ड्रग, यानी बॉडी अब ड्रग के साथ क्या कर रही है। यानी आपने ये जो सिस्टम लिया ओरल रूट से, आपने ड्रग एंटर किया अपने सिस्टम में, जब ये बॉडी में एंटर किया तो एंटर करने बाद इसने अपना एक्शन शो किया, जो एक्शन शो किया उसको आपने कहा डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स तो हो गया व्हाट द ड्रग कॉजेज टू द बॉडी, अब काइनेटिक्स की बात करें तो बॉडी इसके साथ क्या करेगा। तो जो बॉडी इसके साथ काम परफॉर्मेंस देगा, जो बॉडी इसके साथ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसी को कहते हैं काइनेटिक्स। यानी बॉडी इसके साथ क्या करेगा, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे सिस्टम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी टो से लेके हेड तक बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, टो से लेके हेड तक। यानी आपका आपको अग्नि अगर पूरे शरीर में किसी सिस्टम को सर्कुलेट करना है तो माध्यम कौन सा है, ब्लड। यानी अगर कोई भी चीज ब्लड में पहुंच गई तो ब्लड से पूरे सिस्टम में सर्कुलेट कर सकती है, पूरे सिस्टम कहीं पे भी उसको आप उसको भेज सकते हैं, ब्लड एक ऐसा माध्यम है। तो आपने अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग आपकी टूटती है यानी मेटाबोलाइज होती है, और टूटने के बाद बॉडी से क्या होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यानी ये जो चार मेन फंक्शन है, दिस इज अ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, यानी ड्रग एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबोलाइज हुई, एक्सक्रीट हुई, एंड दैट इज अ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, और काइनेटिक्स का मतलब हो गया बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब देखा जाए फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स, काइनेटिक्स ऑफ एडीएम में स्टडी ऑफ द टाइम कोर्स, टाइम के साथ हम स्टडी करेंगे कि एडीएम में दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन एंड देयर रिलेशनशिप विद इट थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट, और इसका क्या रिलेशनशिप है थेरापेटिक एक्टिविटी के साथ एंड टॉक्सिक इफेक्ट के साथ। इट इज द काइनेटिक्स ऑफ एडीएम में, ये एक तरह से काइनेटिक्स है किसका, एडीएमए का, और इसको हम लोग के एडीएमए भी कहते हैं। अभी कैसे देखा जाए इसको, तो अगर आपने ये आपको ए फॉर एब्जॉर्प्शन याद रखना है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। डी हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एम जो है इंडिकेट करता है मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, और ई है आपका एलिमिनेशन, ऐसे को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक। अब इस रूट के थ्रू अगर हम देख थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जो रूट हम लोगों ने प्रिफर किया है, ओरल रूट प्रेफरेंस दिया गया, आईवी रूट दिया गया, और बहुत सारे वेरियस रूट हैं जिससे हम लोग ड्रग को अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करते हैं। ओरल रूट से अगर आपने ड्रग दिया तो ड्रग कहां पहुंचेगा, जीआईटी। अब जीआईटी के बाद ये सिस्टम आपका लीवर तक पहुंचेगा, और ये माध्यम क्या होगा, ब्लड, ब्लड के माध्यम से लीवर तक जाएगा। अब ये जो ब्लड के माध्यम से लीवर तक जाएगा तो जीआईटी से ब्लड एब्जॉर्ब होगी कहां, अरे सॉरी, जीआईटी से ड्रग जो है आपकी वो एब्जॉर्ब होगी किसमें, ब्लड में। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये पहुंचेगी लीवर में, लीवर में पहुंचने के बाद कुछ ड्रग का मेटाबोलिज्म होता है, फिर ये लीवर में पहुंचने के बाद फिर ये रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर ये लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी अगेन फिर ब्लड में आएगा, और अब ब्लड में आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, टिश्यू में। टिश्यू का मतलब आप टिश्यू से क्या मिलकर बनता है, ऑर्गन, ये आपको पता है ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। तो आप टिश्यू यानी किसी ऑर्गन में भी जा सकता है, किडनी में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, लीवर तो गया ही, आपके किसी भी ऑर्गन में, किडनी की बात करो, लंग्स की बात करिए, हार्ट की बात करिए, किसी भी ऑर्गन्स में जाना है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यानी पैर में, सर में, हाथ पैर, जहां है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब ये टिश्यू में पहुंच गया, टिश्यू में पहुंचने के बाद दे सेवर देयर एक्शन, अब यहां ये अपना एक्शन शो करेगा, और एक्शन शो करने के बाद अगेन दे कैन रिटर्न बैक टू द ब्लड, फिर ये ब्लड में रिटर्न होगा, और ब्लड में रिटर्न होने के बाद अब ये एलिमिनेट होगा ड्रग से, और एलिमिनेशन का जो प्रेफरेंस बहुत सारे, लेकिन जो प्रायोरिटी मानी जाती है वो किडनी, यहां से ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जैसे ड्रग एक्सक्रीट आउट हुई, ड्रग का एक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी ड्रग का एक्शन खत्म। तो
तो ये हमारे नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके साथ भी होता है। ओरल रूट से आपने भोजन लिया, जीआईटी सिस्टम एंटर करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे टिश्यू में सर्कुलेट होता है, और पूरे टिश्यू में सर्कुलेट होने के बाद जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो किडनी के थ्रू शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी सेम पैटर्न में आपका ड्रग का भी काम करेगा कि ड्रग आपकी एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट आउट होगी। तो अब एडीएमई देखा जाए कि एडीएमई को कैसे यहां पे डिफाइन किया जाएगा वो देखा जाए, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग का मूवमेंट होगा, कैरेटिक्स इन्वॉल्व, तो मूवमेंट कैरेटिक्स क्यों लगा, यहां पे ड्रग मूव कर रही है, और मूव कहां से कर रही है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे आपने एडमिनिस्टर्ड किया है। अगर आपने मसल्स में दिया तो वहां से मूवमेंट करेगी, आपने जीआईटी सिस्टम में दिया है तो स्टमक में या इंटेस्टाइन से मूव करेगी और कहां पहुंचेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। अब जीआईटी से आपका ब्लड में गया, अब ब्लड से फिर क्या डिफरेंट टिश्यूज में जाएंगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में जाएंगे, तो जो डिफरेंट एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में जा रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखें, ड्रग आपने एंटर किया इस तरह से, जब एंटर किया तो ये जो ड्रग है आपके जीआईटी सिस्टम में जाने के बाद, अब ये सिस्टम में जब ये ब्लड में आएगा, ब्लड ये एक ऐसा माध्यम है जो पूरे इंटायर बॉडी में ड्रग को सर्कुलेट कर सकता है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये एक्शन शो कर रहा है, देखें मेटाबोलाइज, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये बॉडी से क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो ये चीज आपका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग का मूवमेंट होगा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है, हम कह लें ओरल की बात कर लें, हम बात कर लें आईएम की, बात करें इंट्रामस्कुलर की, और आईवी की अगर आप बात करेंगे तो ये डायरेक्ट ब्लड में इंटर हो रहा है। तो जब डायरेक्ट ब्लड में इंटर हो रहा है तो ये जो स्टेप है आईवी में ऑब्सलीट हो जाता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन जब आप ओरल रूट से आईएम रूट से दे रहे हैं तो इस एब्जॉर्प्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे, और यहां पे ड्रग आपकी मूव करेगी एडमिनिस्ट्रेशन साइट टू सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड। डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट ऑफ द ड्रग, ड्रग मूव कर रही बिटवीन ब्लड, यानी ब्लड में जाने के बाद फिर कहां जाएगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में। एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पे इसको एक्शन शो करना है, एक्शन शो करने के बाद फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर से कहां रिटर्न आएगा, ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद देन अगेन एलिमिनेट। तो ये अगर ग्राफ देखें, इस ग्राफ में ये ड्रग का कंसंट्रेशन शो किया गया है जो राइज कर रहा है, और ये टाइम इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो आपने देखा जैसे आपने कोई भी डोजेस फॉर्म, अगर आपने पैरासिटामोल लिया 500 mg आपने लिया, तो जैसे 500 mg आपने लिया, ड्रग में जीआईटी से ब्लड एब्जॉर्ब होगा, तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा ड्रग का कंसंट्रेशन राइज करेगा, तो जैसे राइज करेगा एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन अटेन होता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा अगर आपने पैरासिटामोल 500 mg दिया है तो ब्लड में पैरासिटामोल मैक्सिमम कितना जा सकता है, 500 mg, 500 mg से तो ज्यादा जाएगा नहीं, तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड में पहुंच रहा है उसको हम लोग कहते हैं सी मैक्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। अब यहां से मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो आ गया, अब यहां पे एक्शन शो किया इसने, ये एक्शन शो कर रहा है, और एक्शन शो करने के बाद यहां पे मेटाबोलाइज हुआ, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पर्टिकुलर, अब डिस्ट्रीब्यूट होकर मेटाबोलाइज हुआ, और जब ये मेटाबोलाइज होगा तो बॉडी में एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होकर मतलब शरीर से बाहर निकल रहा, जब ये शरीर से बाहर निकलेगा तो ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा, और डाउन होते तो एक समय ऐसा आएगा कि ड्रग का कंसंट्रेशन पूरी तरह से बॉडी में क्या होगा, जीरो। तो ये एलिमिनेशन फेज है आपका। तो ये इस तरह से जब ड्रग ब्लड में बढ़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ रहा है इसी बीच में दोनों एक्टिविटीज आपकी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और मेटाबोलिज्म भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबोलिज्म, और उसके बाद जब मेटाबोलिज्म हो रहा है तो ड्रग आपके बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया गया, एमईसी और एमटीसी और एमएससी। एमईसी का मतलब होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और एमएससी का मतलब होता है मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, सेफ्टी कंसंट्रेशन। यानी एमईसी के नीचे अगर आप आए हैं, अगर आपका ड्रग का कंसंट्रेशन सपोज दैट, अगर कोई आपने पॉइंट डिसाइड किया, अगर पैरासिटामोल मैंने कहा 250 mg है, तो आपने कहा कि अगर सॉरी पैरासिटामोल आपने कहा कि 500 mg है, तो 500 mg से कम अगर डोज देंगे तो उसका कंसंट्रेशन 500 से नीचे होगा, और इसको कहेंगे नो इफेक्ट, यानी अब ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा।
और अगर आपने यहाँ का एक मैक्सिमम डोज है, मैक्सिमम डोज से जब ऊपर जाएगा सेफ्टी कंसंट्रेशन से, तो यहाँ पे ड्रग की टॉक्सिक लेवल शो करेगा, नहीं टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो एमईसी और एमएससी के बीच के रेंज को हम लोग कहते हैं थेरापेटिक रेंज, यानी जो बिटवीन, यानी एमईसी और एमएससी के बिटवीन को हम लोग कहते हैं थेरापेटिक रेंज। तो ये है मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और एमटीसी को मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये आपको ग्राफ आगे चल के फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल इसको बोलते हैं, जब नेक्स्ट फार्म को कैनेटिक्स पैरामीटर पढ़ा जाएगा तो वहां फिर एक बार इसको डिटेल स्टडी किया जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, और बायो लगाया गया इसका मतलब लिविंग सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं मेटाबॉलिज्म को। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट कंपाउंड इनटू द डॉटर मेटाबोलाइट्स, यानी पेरेंट कंपाउंड अगर आपने लिया, पीसीएम अगर आपने लिया, पैरासिटामोल, अब ये मेटाबोलाइट्स में टूटेगा, ये जो मेटाबोलाइट्स में टूट रहा है, ये जो मेटाबोलाइट्स में टूट रहा है पैरासिटामोल, इसी को कहते हैं डॉटर, और ये हमारा पेरेंट हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा पैरासिटामोल से मेटाबोलाइट्स में हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज हुआ, और जैसे पीसीएम पैरासिटामोल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुआ, पीसीएम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, यानी अब पीसीएम एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि मेटाबोलाइट्स बना और मेटाबोलाइट से फिर क्या बन जाएगा, पैरासिटामोल, इसलिए इसको कहा गया इरिवर्सिबल, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पैरासिटामोल से मेटाबोलाइट्स बनेगा, मेटाबोलाइट से पैरासिटामोल नहीं बनेगा। तो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट कंपाउंड इनटू द डॉटर मेटाबोलाइट, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, तो एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन को एक्सक्रीशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ड्रग, ड्रग रिमूव करेगी फ्रॉम बॉडी, यानी अब बॉडी से ड्रग रिमूव कर रही, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन, एंड टर्मिनेट्स इट्स एक्शन, जब बॉडी से ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा, तो अब आपको एक्शन नहीं मिलेगा, खाना खाया बॉडी से निकल गया, भूख लगी, यानी फिर हमें खाना खाने की जरूरत पड़ी। इसी तरह से जब आपने ड्रग एंटर किया, तो ड्रग का डोज, जब ड्रग बॉडी से निकल गया, फिर आपको सेकेंड डोज देने की जरूरत पड़ती है। ड्रग डिपोजिशन एक आपका वर्ड मिलेगा, जिसको टुगेदर दे नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबोलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को टुगेदर एक साथ हम लोग बोलते हैं ड्रग डिपोजिशन, ठीक है। तो अगेन वो जो ग्राफ अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया, वही चीज यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई ड्रग, डिस्ट्रीब्यूट हुई, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अभी डी जो है, सॉरी एम जो है, वो मेटाबोलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म होती है, यानी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, और फिर एक्सक्रीशन है, बॉडी ड्रग के शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये फार्माकोकाइनेटिक सिस्टम में आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक वर्ड है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, कि यूज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल इन ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग डोजेस टू सूट इंडिविजुअल पेशेंट एंड नीड एंड अचीविंग मैक्सिमम थेरापेटिक यूटिलिटी। अब यहां पे कहा गया कि फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल जो आप एडीएम में आपने पढ़ा है, वो इस एडीएम में का प्रिंसिपल हम लोग यहाँ यूज करेंगे ड्रग डोज के लिए, लेकिन हम लोग इस तरह से एडीएम में यूज करेंगे कि इंडिविजुअल पेशेंट को सूट करें, क्योंकि हम लोग जो भी एडीएम में ड्रग की डिटरमाइन करते हैं, वो ड्रग डिटरमाइन करते हैं कि हमने किया और मास में उसको कंसिडर कर लिया कि सारे पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एडीएम में वैरी करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एडीएम में को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मैक्सिमम थेरापेटिक एक्टिविटीज को अटेन करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर को हम लोग इंडिविजुअल पेशेंट को सूट करें, इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे उसको, इसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। डोजेज रेजिमेन, मैनर इन विच ड्रग शुड बी टेकन, किस मैनर में ड्रग लिया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं डोजेज रेजिमेन। मैनर मीन्स होता है कि अगर आपने कहा टीडीएस है, ड्रग दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, खाना खाने से पहले लेना, खाना खाने के बाद लेना है, ये जो मैनर है, किस मैनर से आप ड्रग ले रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डोजेज रेजिमेन।
अब देखिए स्टडी ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स इन्वॉल्व इन विट्रो एंड इन विवो मेथड, यानी बायोफार्मास्यूटिक्स में इन विट्रो का भी यूज होता है और इन विवो मेथड का भी यूज होता है। और ये आप सब लोग जानते हैं इन विट्रो मेथड्स इन्वॉल्व सेट ऑफ ऑपरेटर्स विदाउट इन्वॉल्विंग लेबोरेटरी एनिमल और ह्यूमंस। इन विट्रो का मतलब होता है कि हम लोग अगर लिविंग सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इन विट्रो मेथड। जैसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स करते हैं, डिजोल्यूशन करते हैं, हार्डनेस टैबलेट्स की लेते हैं हम लोग, फ्राइबिलिटी निकालते हैं, विस्कोसिटी मेजर करते हैं, सरफेस टेंशन मेजर करते हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं इन विट्रो स्टडीज में। कहीं पे भी हम लोग या लेबोरेटरी एनिमल या ह्यूमंस का यूज नहीं करते हैं। तो जिस भी एक्सपेरिमेंट में आप ऑपरेटर्स कोई भी यूज करें, जहां पे आप ह्यूमन या एनिमल्स यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे मेथड्स को हम लोग कहते हैं इन विट्रो। लेकिन इन विवो, विवो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, यानी टेस्ट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टमिक ड्रग अवेलेबिलिटी हम लोग को पता करनी है। और सिस्टमिक का मतलब हो गया ब्लड, यानी ब्लड में कितना ड्रग पहुंचा है जिसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एनिमल या ह्यूमंस यूज करना ही पड़ेगा, बिना इसके यूज के हम लोग ये नहीं बता सकते कितना अमाउंट ड्रग का ब्लड में पहुंच रहा है। तो जब हमने ह्यूमन और एनिमल यूज किया तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे इन विवो। तो जैसे ये डिजोल्यूशन सिस्टम यहाँ पे है, ये डिजो हम लोग कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इन विट्रो सिस्टम। और आपने ड्रग दिया ओरली, ओरली लेने के बाद ब्लड आपने इन्वेसिव मेथड से आपने ब्लड लिया, और ब्लड लेने के बाद आपने देखा कि कितना ड्रग एब्सॉर्ब हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे इन विवो। तो यहाँ पे ह्यूमन यूज किया, आईवीआईसी नेक्स्ट हम लोग इसको फिर पढ़ेंगे। आईवीआईसी यानी इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन होते हैं, आपस में रिलेशन होता है, इसका भी हम लोग डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहेंगे, यानी ड्रग इन डोजेस फॉर्म है। अगर हमारा ड्रग किसी भी डोजेस फॉर्म में है, अगर आपने टैबलेट्स, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं टैबलेट है, तो टैबलेट से ड्रग रिलीज करेगा, और रिलीज कहां होगा, ड्रग एट एब्जॉर्प्शन साइट। एब्जॉर्प्शन साइट अगर आपने, हमने कहा जीआईटी लिया हमने, तो जीआईटी में ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट पे ड्रग रिलीज हुई जीआईटी में। अब रिलीज होने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, और जब एब्जॉर्ब हुआ तो ड्रग कहां पहुंच गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज अ ब्लड। ब्लड में पहुंचने के बाद ड्रग इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू और ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन, यानी अब ड्रग कहां पहुंचेगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू या साइट ऑफ एक्शन, जहां पे टारगेट साइट है, जहां पे इसको एक्शन शो करना है, वहां पे पहुंचा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। ड्रग एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में पहुंचा, फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू से अगेन कहां पहुंचेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसलिए यहां पे डबल एरो दिया गया है, पहले इनसिया फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद फिर ड्रग आपका एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेशन के लिए मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले ड्रग मेटाबोलाइज होगी यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर इसका एक्सक्रीशन होगा, जिसको कंबाइनली आपने क्या कहा था, डिपोजिशन। कंबाइनली हम लोगों ने क्या कहा था, डिपोजिशन। अब ड्रग आपका जब साइट ऑफ एक्शन पे आया, तो एक्शन पे आने के बाद ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा पैरासिटामोल है तो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, एसिलोफेनेक है तो पेन को कम करेगा, इसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इन डिजीज बॉडी, अगर डिजीज्ड बॉडी है कोई, तो थेरापेटिक इफेक्ट एट थेरापेटिक डोज, टॉक्सिक इफेक्ट एट टॉक्सिक डोज। तो यानी अगर कोई डिजीज कंडीशन है, अपनी बॉडी टेम्परेचर राइज किया है, तो आपको थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा थेरापेटिक डोज, आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा आपने टॉक्सिक डोज दिया हो। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, यानी ड्रग एक्स्ट्रा वेस्कुलर में आया, एक्स्ट्रा वेस्कुलर तक फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर से सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से फिर एलिमिनेशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कंबाइनली हम लोग कह रहे हैं डिपोजिशन। ठीक है, अब इतनी चीजें के बाद कुछ डिफिनेशन है छोटे छोटे, उसको भी देख लिया जाए कि ड्रग किसे कहेंगे। तो ड्रग आर द सब्सटेंस, एक पदार्थ है इंटेंडेड फॉर द यूज, हम लोग एक सब्सटेंस है जिसको यूज करते हैं, किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योर के लिए यूज कर सकते हैं, मिटिगेशन के लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ड्रग, यानी ड्रग क्या है, सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर द यूज ऑफ डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज नोन एज ड्रग। तो ड्रग आर गिवन इन वैरायटी ऑफ डोजेस फॉर्म, हम ड्रग को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में देते हैं, और इसी डोजेस फॉर्म को हम लोग कहते हैं ड्रग प्रोडक्ट भी कहा जाता है। हम लोग डोजेस फॉर्म भी कह सकते हैं और ड्रग प्रोडक्ट, और ड्रग प्रोडक्ट सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और हम लोग सिस्टमिक या लोकल
दोनों एक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप एसिटोमिनोफेन देखें तो इसका केमिकल कंपाउंड है और ये पाया जाता है पाउडर के फॉर्म में, ये पाउडर है। अब इस पाउडर को एज इट इज तो यूज नहीं करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डोजेस फॉर्म में। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सॉलिड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इसी को हम लोग डोजेस फॉर्म कहते हैं या ड्रग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ डोज है, जैसे डोज किसे कहेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज सेफ मेजर्ड एंड क्लिनिकली इफेक्टिव फॉर द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड डोज। यानी डोज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट आप दे रहे हैं, जो कि क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, मेजर्ड होना चाहिए उसकी क्वांटिटी, और क्लिनिकली इफेक्टिव होना चाहिए फॉर ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड डोज। यानी जैसे पीसीएम हम लोग यूज करते हैं, तो पीसीएम का डोज देखें 500 mg, अब तो 650 भी दिया जा रहा है, तो ये हमारा डोज है, अमाउंट, कितना अमाउंट हमें देना है, दैट इज कॉल्ड डोज। ड्रग प्रोडक्ट कंसिडर टू बी, ड्रग प्रोडक्ट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ड्रग प्रोडक्ट हम लोग कह सकते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो ड्रग को डिलीवर कर रहा है, दैट रिलीज एंड डिलीवर्स, या रिलीज करेगा या डिलीवर करेगा ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन फॉर डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट। यानी अगर आपने टैबलेट लिया तो टैबलेट को आपने कहा डोजेस फॉर्म है, तो इस टैबलेट का काम क्या है, ये ड्रग को रिलीज करेगा। यानी पीसीएम का टैबलेट है, जैसे जीआईटी में जाएगा तो पीसीएम को क्या करेगा, वहां से रिलीज करेगा, तभी तो ये ब्लड में जाएगा। तो ये रिलीज जो कर रहा है, इसी के हम लोग कहा कि ड्रग को डिलीवर कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्या है, रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट आइदर फॉर लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। ठीक है, तो जो ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की बात करें, कि जो ड्रग रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट से, वो लोकल एक्शन के लिए या सिस्टमिक, किसके लिए भी, जिसके लिए भी आप यूज कर रहे हैं, वो इसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। और सिस्टमिक एक्शन के लिए ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द प्लाज्मा, ये ऐसी को हम लोग कहते हैं ब्लड। एप्लीकेशन क्या है, अगर आप देखें तो बायोफार्मास्यूटिक्स का, विद द हेल्प ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स वी कैन चेंज वेरियस फॉर्मुलेशन फैक्टर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स की हेल्प से वी कैन चेंज वेरियस फॉर्मुलेशन फैक्टर, हम लोग फॉर्मुलेशन फैक्टर को चेंज करके अपने जो एक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा सकते हैं। बाय अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टैबलेट्स इज कंपेयर्ड विद ओल्ड टैबलेट्स, अगर आपने कुछ ओल्ड टैबलेट से और आपने कुछ चेंज करके न्यू टैबलेट्स अगर आपने बनाया है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जिसको कहते हैं बायो इक्विवेलेंट, और कंपेयर करने के बाद देन न्यू टैबलेट्स विल बी परमिटेड टू द मार्केट, और एफडीए इसको अप्रूव कर सकती है कि ये सिमिलर सिस्टम में आ रहा है, तो इसको हम लोग मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं, विच अफेक्ट ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो हमारे ऑनसेट और इंटेंसिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को चेंज करेगा। अब प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ द ड्रग, तो आपको पता है कि अगर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए तो हमको आईवी यूज करना है, और अगर ओरल रूट से दे रहे हैं तो हमें डिले एक्शन मिलेगा। तो ये प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग समझे, तो इंटेंसिटी और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम लोग यहां से समझ सकते हैं। टू एसेस द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, हम प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को एसेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डोज पे। आपने ड्रग डोज दिया पैरासिटामोल, जो मैंने कहा एक्सटेंड, तो आपने दिया कितना ब्लड में पहुंचाइए, हम लोग मेजर कर सकते हैं। इन डिजाइनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनविट्रो मॉडल सिस्टम, इनविट्रो मॉडल सिस्टम हम लोग डिजाइन करके बायोफार्मास्यूटिक्स से बहुत सारे पैरामीटर को स्टडी कर सकते हैं। इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड देयर अप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेन, हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स के हेल्प से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन था, अब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बायोफार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस क्या है, जिसका कोड है BP604T, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। 5 यूनिट इसमें आपके मिलेंगे, 5 यूनिट्स होंगे इसमें, और यूनिट 1 में देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन ऑफ, फिर इसी में हम लोग को एब्जॉर्प्शन पढ़ना है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बायोलॉजिकल सिस्टम में। प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, यानी जो हमारा ड्रग है वो आपके प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन से कैसे बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद क्या क्या इफेक्ट आता है, ये प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग में हम लोग देखेंगे। यूनिट 2 में अगर आप देखें तो एलिमिनेशन, जो अभी आपको मैंने बताया एलिमिनेशन, कैसे ड्रग एलिमिनेट हो रही है, ये हम लोग पढ़ेंगे।
बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ये यूनिट टू में आपको मिलेगा कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के बारे में लोग पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट और रेट, किस रेट से आपका ड्रग ब्लड में पहुंच रहा है, और बायो इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यूनिट थर्ड में देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स यहां से स्टार्ट होगा यूनिट थर्ड में, जिसमें हम लोग कंपार्टमेंट, नॉन कंपार्टमेंट, फिजियोलॉजिकल मॉडल्स, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव और मॉडल्स यूज किए जाते हैं, तो यहां पे हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट टू में हम लोग पढ़ेंगे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, एक कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन और एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, वो डिटेल जब आपको लेक्चर्स में दूंगा वहां पे आपको पता चलेगा। यूनिट फोर में देखें तो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे, या सिंगल वन कंपार्टमेंट पढ़े, अब यहाँ पे मल्टीपल में दो कंपार्टमेंट ओपन मॉडल पढ़ेंगे कि अगर हम अपने बॉडी को दो कंपार्टमेंट में कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या पैरामीटर्स कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लोडिंग और मेंटेनेंस डोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो लास्ट यूनिट है एंड दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो लीनियर होना चाहिए, लेकिन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आ रहा है तो इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या फैक्टर है जिससे नॉन लीनियरिटी शो हो रही है, माइकलिस मेंटेन्स मेथड पढ़ेंगे और एस्टिमेट करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स एग्जाम्पल ऑफ ड्रग के साथ। ये पांच यूनिट्स आपको मिलेंगी, जो पांच यूनिट्स मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन इसका लेक्चर में आप तो ये आपका नया सब्जेक्ट मैंने बायोफार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया, और इस बायोफार्मास्यूटिक्स में मैंने आप लोगों को क्या क्या सिलेबस में ब्रीफ मैंने आपको बताया कि पांच यूनिट सिलेबस, और साथ में इंट्रोडक्शन चीज मैंने आपको स्टार्ट की है कि इंट्रोडक्शन बायोफार्मास्यूटिक्स का क्या है, ये मैंने स्टार्ट किया जो यूनिट वन का पार्ट है। और इसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इस तरह से हम लोग वन बाय वन वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, और उसको आप उसके थ्रू आप लोग पढ़ भी सकते हैं और उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड या फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।